10 करोड़ रुपए से ज्यादा की चपत लगाने का गंभीर आरोप लगा। खबर गोंडा से है, जहां बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात वित्त एवं लेखा अधिकारी श्री राम मौर्य के ऊपर आर्थिक लाभ लेकर सरकारी धन में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की चपत लगाने का गंभीर आरोप लगा है। तरबगंज विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक प्रेम नारायण पांडे ने मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री की शिकायती पत्र लेकर पूरे मामले को लेकर मंडल स्तरीय कमेटी से जांच कराकर कार्यवाही की मांग की है। पूरा मामला बेसिक शिक्षा विभाग के वित्त एवं लेखा अधिकारी का है। इस प्रकरण की शिकायत जिला अध्यक्ष कृष्ण प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री से की है। कृष्ण प्रताप ने लेखाधिकारी से राम मौर्य पर आरोप लगाया है कि आर्थिक लाभ लेकर 10 करोड़ से ऊपर की चपत राजकोष को लगाई है। एनपीएस की कटौती जो राज्य सरकार के महत्वपूर्ण कार्य में है वह नहीं की है। जनपद गोंडा में तैनात लगभग 8200 अध्यापकों का जीपीएफ कट रहा है और 1200 अध्यापकों का एनपीएस फॉर्म भरवाया गया है, लेकिन अभी तक 6200 अध्यापकों का एनपीएस का फॉर्म तक नहीं भरवाया है। अध्यापकों का एनपीएस नहीं कट रहा है। वित्त एवं लेखा अधिकारी श्री राम मौर्य ने 10,54,24,800 रुपए का राजकीय कोष को चपत लगाया है। फिलहाल बीजेपी विधायक ने मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री को पूरे मामले की शिकायत की है। वहीं श्री राम मौर्य ने इस प्रकरण पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है।